हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक साहू एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेंड्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि जितनी वीडियोस मैं क्लास 12th के लिए अपलोड करूँगा, यदि आप उन सभी वीडियोस को सीक्वेंस के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ देखते हैं तो इस चैप्टर के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं कहूँगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और उस चैप्टर में जो भी नया कॉन्सेप्ट आएगा वो हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो बस यही कहूँगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि अगर मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे फ्रेंड के पास एक फोर व्हीलर है, तो सबसे पहली इमेज हमारे दिमाग में जो बनती है वो होती है कि भाई उसके पास एक कार है। लेकिन आप भी ये जानते हो कि फोर व्हीलर का मतलब चार पहियों वाला ठेला भी हो सकता है। तो सेम यही प्रॉब्लम करंट के साथ होती है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि भाई वहाँ मत जाओ, वहाँ करंट है, तो उसका मतलब क्या है? जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आएगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक शॉक। उसके बाद हम कुछ सोचेंगे, है ना, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे कि भाई क्या है वहाँ, कैसा है, लेकिन पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में बनेगी वो होगी इलेक्ट्रिक शॉक। तो करंट का एक्चुअल मीनिंग हमें समझना ज़रूरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ने से पहले। फ्रेंड्स, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनी मैटर इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। फ्लो ऑफ एनी मैटर इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट, है ना। यदि कोई पर्टिकुलर, दैट इज यदि कोई मैटर किसी भी एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उस मैटर के फ्लो को हम करंट कहते हैं, हिंदी में इसे धारा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर एक मैटर है, तो वाटर को जब हमने एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो किया, या पानी जब एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उस पानी के फ्लो को हम क्या कहते हैं? पानी की धारा, है ना। ठीक इसी तरह से इसको इंग्लिश में वाटर करंट कहते हैं। वाटर करंट मतलब वाटर का एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो, वाटर का एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो। इसी तरह से अगर मैं कहूँ भाई एयर करंट, तो आपको अब समझना है कि एयर एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी। ठीक इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं देन हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, है ना। या फिर अगर मैं इसको एक जनरल टर्म में, या फिर मैं अगर एक वाइड रेंज में इसको कहता हूँ, देन अगर चार्जेस किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो उस चार्जेस के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। ये चीज़ हमें समझनी है एक बार फिर कि चार्जेस जब एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो चार्जेस के उस फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो जब भी आप सुनो भाई करंट, तो उसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए धारा, है ना, किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना। ओके, तो देखिए इस चैप्टर में हम बार बार, हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट ना बोलें, तो जब भी आप सुनो इस चैप्टर के अंदर, हमारी इस वीडियो के अंदर, कि भाई करंट तो आप समझ जाना, हम चार्जेस के फ्लो की बात कर रहे हैं, है ना। मैंने बोला कि भाई करंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई चार्जेस का एक फ्लो हो रहा है डेफिनेट डायरेक्शन में। ओके, तो कुछ चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि भाई करंट कितने टाइप का होता है। अच्छा, इस पर आएँ कि पहले हम चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भाई प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है स्टैटिक चार्जेस के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर हमने बलून को रब किया, बलून को रब करके दीवार से चिपका दिया, तो आपको पता है कि भाई बलून के जिस पोर्शन को मैं रब करता हूँ उस पोर्शन पर चार्जेस इकट्ठे रहते हैं और वो काफ़ी टाइम तक उन दीवार के चार्जेस के साथ चिपके रहते हैं। जानते हो ना आप इस चीज़ को? तो यहाँ पर वर्ड्स को सुनिए कि मैंने रब किया बलून को, तो चार्जेस क्या होंगे? वो इस पोर्शन पर स्टैटिक रहेंगे, रेस्ट रहेंगे, इसी पोर्शन पर टिके रहते हैं, है ना। क्योंकि इसी पोर्शन पर टिके रहते हैं तो उसका मतलब क्या है कि दीवार से चिपके रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये चार्जेस फ्लो हो रहे होते तो क्या वो चिपक पाता क्या? देन हमारा आंसर है नहीं चिपक पाता। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि स्टैटिक चार्जेस किस तरह से बिहेव करते हैं, है ना। स्टैटिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं, हमने पढ़ा कि भाई स्टैटिक चार्जेस के लिए काफ़ी सारे डेरिवेशन किए। लेकिन इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं पूरे का पूरा हम मूविंग चार्जेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि स्टैटिक चार्जेस की स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, जबकि मूविंग चार्जेस की स्टडी को हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोडायनामिक्स ही है। ओके, तो अब बात करते हैं कि भाई करंट कितने टाइप का होता है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, करंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला हम नाम देते हैं स्टेडी करंट, ओके, और दूसरा हम नाम देते हैं ट्रांजिएंट करंट। ओके, तो देखिए समझिए कि स्टेडी करंट क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि एक घंटा हमने ले लिया, ठीक है, अब इस एक घंटे के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर चार्जेस एक फिक्स रेट में,
एक डेफिनेट दैट इज अ सर्टेन अमाउंट में एक फिक्स्ड रेट के साथ एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हों, तो हम उस चार्जेस के फ्लो को स्टीडी करंट कहेंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने एक नल को खोल दिया तो वहाँ से जो पानी आएगा वो कैसा होगा, एक फिक्स रेट के साथ साथ एक फिक्स्ड अमाउंट में पानी आएगा, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं कि स्टीडी फ्लो है वो वाटर का। ठीक इसी तरह से चार्जेस का भी स्टीडी फ्लो होता है, दैट इज़ फिक्स रेट के साथ चार्जेस किसी फिक्स डायरेक्शन में डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को अपन बोलते हैं कि भाई स्टीडी फ्लो ऑफ करंट या फिर स्टीडी फ्लो ऑफ चार्जेस। दूसरा फॉर्मेट होता है ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट होता है कि भाई मान लेते हैं कि अपने पास जैसे मान लीजिए कि भाई बहुत ज़्यादा चार्ज, या फिर मैं कहूँ भाई जो चार्जेस का फ्लो है वो कुछ सेकंड के लिए हो, वो कुछ बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए हो, है ना, और उसके बाद वो चार्ज खत्म हो जाए, उस चीज़ को अपन बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो बिजली चमकती है, भाई बिजली चमकती है तो भाई क्लाउड से चार्ज ट्रांसफर होता है बहुत कुछ सेकेंड्स के लिए, है ना, बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए, और बहुत ज़्यादा चार्ज क्लाउड से लेकर के अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है, इस चीज़ को अपन बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है अस्थाई, दैट इज़ नॉन परमानेंट, दैट इज़ टेम्परेरी। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक इतना ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र हुआ कि भाई अगर ये स्टीडी रेट के साथ आता ना, एक फिक्स रेट के साथ आता ना, तो हम इससे अपने घरों की लाइट जो है काफ़ी दिनों तक जला सकते थे, है ना, इतना चार्ज था। ठीक, लेकिन ये कंडीशन क्या बनी, ये किस तरह से फ्लो कहलाया, ये ट्रांजिएंट फ्लो, है ना, ट्रांजिएंट फ्लो ऑफ करंट, जिस चीज़ को अपन ट्रांजिएंट करंट भी कह देते हैं। ठीक, इसके बाद ट्रांजिएंट करंट का एक और एग्जांपल समझना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ से हम बहुत सारी ज़रूरी सी चीज़ें समझने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मानते हैं कि ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इस प्लेट पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर कुछ एक्सेस नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि ये प्लेट पर पॉजिटिव, ये प्लेट पर नेगेटिव, और अब हमने इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो आपको पता है कि भाई जैसे ही हम इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे, ये सारे के सारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन्स किस लिए आएंगे, बोला इसको न्यूट्रलाइज करना है, है ना, इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना है, तो यहाँ से भी चार्ज चला जाएगा और यहाँ से भी चार्ज चला जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आए और इसको न्यूट्रलाइज किया। ठीक, तो उसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में, तो हम इसको इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। ठीक है, चार्जेस का फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में, तो हम इसको इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। तो आप देखिए, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं वही करंट तो हो जाएगी, वही डायरेक्शन तो हो जाएगी करंट की डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर बहुत समझने वाली बात यह है कि अगर आप अब आप स्किप कर जाओगे तो आप गलती कर दोगे। ठीक, मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन की फ्लो की जो डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन है। यहाँ पर बहुत बड़ा सस्पेंस है, बहुत बड़ी ट्रेजडी छुपी हुई है, इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर हम पहले हम दूसरी चीज़ को जो समझ रहे थे उस पर वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ट्रांजिएंट करंट की बात कर रहे थे, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स जाकर के इसको न्यूट्रलाइज किए, उसके बाद कोई फ्लो नहीं होगा करंट का, है ना, सारे चार्जेस वैनिश हो गए, तो उसका मतलब इस करंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट करंट। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहे, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ख़त्म ना हो, देन क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ कर सकते हैं जिसको अपन कहते हैं बैटरी, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया कि हमने एक बैटरी के थ्रू इन दोनों कंडक्टर्स को जोड़ दिया। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल की कंपैरिजन में हमेशा हायर पोटेंशियल पर होगा और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा इसकी कंपैरिजन में लोअर पोटेंशियल पर होगा। ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल का काम, दैट इज़ जो हाईली पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कंडक्टर से क्या करता है, वो कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है। ठीक है, अब देखिए, और ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर क्या कर सकता है, अगर ये इसकी कंपैरिजन में हाईली नेगेटिव है देन क्या करेगा, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेज सकता है। ठीक, तो अब देखिए, अब कंडीशन क्या होती है कि जैसे ही ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इस प्लेट के यहाँ पर आते हैं, जैसे ही इसको न्यूट्रलाइज करने आते हैं जैसे ही इससे इसको पहले न्यूट्रलाइज करते, इससे पहले कि इसने जो है ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकाल लिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से इस प्लेट में से कुछ, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर उसने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला दो पॉजिटिव चार्ज आ गए, इसी तरह से इस बैटरी ने यहाँ से इस कंडक्टिंग प्लेट से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज ये दे सकता है। ठीक, अब जो ये इलेक्ट्रॉन आए वो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ भेजेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे, तो इसका मतलब
इससे पहले कि ये चार्ज पूरा का पूरा खत्म होता है इन दोनों प्लेट पर, इन दोनों बैटरी के टर्मिनल ने क्या कर दिया, इनको फिर से चार्ज कर दिया है ना, इसको नेगेटिव बना दिया और इसको पॉजिटिव बना दिया, समझ रहे हो ना। इसको पहले से, इससे पहले कि ये इसको न्यूट्रलाइज कर पाते, न्यूट्रलाइज करने से पहले इसको पॉजिटिव बना दिया और इसको दैट इज नेगेटिव बना दिया। इतनी चीज आप समझे ना। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह से हम एक स्टेडी रेट में करंट का फ्लो करा सकते हैं, करा सकते हैं नहीं करा सकते, ठीक है। तो बैटरी कौन सा डिवाइस है, बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो कि इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम कह सकते हैं एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, या फिर मैं ये कह दूं कि बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्जेस का ट्रांसफ़र करा सकता है आराम से, ठीक। बैटरी का कर सकती है चार्जेस का ट्रांसफ़र। और बैटरी का बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है, ये कहती है कि मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पे वर्क करूंगी, है ना। मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको पता है क्या कहता है, कि भाई हम कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं बनाएंगे, ना चार्ज को ख़त्म करेंगे, बस बैटरी चार्ज को ट्रांसफ़र करेगी। आप देख रहे हो भाई चार्ज इनके है ना, इलेक्ट्रॉन इसके मतलब है ना, इलेक्ट्रॉन इन्हीं के हैं और इन्हीं को पागल बनाया जा रहा है, ठीक, इन्हीं को पागल बनाया जा रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल के इसको पॉजिटिव बना दिया, इसको नेगेटिव बना दिया, बोला कि न्यूट्रलाइज करो, करते रहो न्यूट्रलाइज। इसका मतलब क्या हो रहा है, बोला इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन नहीं होती, तो हमारा आंसर है होती है लेकिन नहीं होती, ठीक। अब हम बात करते हैं जिस ट्रेजडी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए करंट की डायरेक्शन जो होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, दुखद कहानी है, हर स्टोरी दैट इज़ हर एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती, आप भी जानते हो, ठीक। तो कंडीशन क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई वो साल थी, या फिर मैं कहूँ वो टाइम था 1800, है ना, अर्ली 1800 में, या फिर मैं कह दूँ 1800 में जो है इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उस समय इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें पता पड़ा 1897 पर, ठीक है, हमें पता पड़ा कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है और केवल इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। जबकि हमें 1800 के दौरान जब इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई तब हमें बस ये पता था कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और जब हमें ये पता था कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो हम ये तो सोच ही नहीं सकते ना कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं। तो हम क्या सोचते थे, हम ये सोचते थे कि भाई पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हम क्या सोचते थे, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और आप जानते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, समझ रहे हो ना। और पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो होते हैं ये चीज़ मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ, और अब एक सेपरेट वीडियो भी आ जाएगी, ठीक। तो देखो ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में। तो आप ये समझिए कि जब हमें ये तो पता ही नहीं था ना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हम जानते ही नहीं थे, हमें क्या पता था, बोला पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं। तो उस समय हमारे लिए करंट की डायरेक्शन, या फिर हम कहें कि भाई उनके लिए जिन्होंने इस पर रिसर्च की, उनके लिए क्या है कि करंट की डायरेक्शन क्या हुई, करंट की डायरेक्शन, बोला करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इस डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है, बोला पॉजिटिव चार्जेस। तो 1800s में जिस समय करंट की डिस्कवरी हुई उस समय जो डायरेक्शन पॉजिटिव करंट की फ्लो की थी उसी डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन माना गया, ठीक है। लेकिन जब बाद में पता पड़ा, बोला गलती हो गई, है ना, बोला पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो होते ही नहीं है, फ्लो तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब क्या करें, है ना। काफ़ी सारे, मतलब आप समझ सकते हो 90 साल में काफ़ी सारी बुक्स पब्लिश हो चुकी थी, है ना, काफ़ी सारी थ्योरी निकल चुकी थी और काफ़ी सारा वर्क कर दिया गया, बोला किस चीज़ को बेस मानकर, बोला पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं उस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है। लेकिन ये तो उल्टा निकला, बोला इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन में तो करंट की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, बोला अब क्या करें। साइंटिस्ट ने बोला कि अब कुछ नहीं करते हैं, जो काम हमने कर लिया है वो कर लिया, ठीक है, जो काम कर लिया वो कर लिया, अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो भी हम थ्योरी या फिर हम कुछ भी यूज़ करें, हमेशा जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को माना जाएगा, क्या, कन्वेंशनली। तो अब आपको यहाँ से दो बातें पता पड़ गई, क्या बातें पता पड़ गई, बोला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं ये सच्चाई है, ये हकीकत है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वही डायरेक्शन कहलाएगी करंट की डायरेक्शन, और ये सच्चाई है। तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी होगी, बोला इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, ठीक है। और कन्वेंशनल डायरेक्शन,
जिस चीज़ को हमने कन्वेंशन मान लिया है ना, केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए कौन सी मानी जाएगी, बोला पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो होंगे वही डायरेक्शन मानी जाएगी करंट की डायरेक्शन। ये क्यों? क्योंकि अब हम उन थ्योरीज को चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना, जो थ्योरी बन चुकी है उनको चेंज नहीं कर सकते। तो हमने क्या मान लिया कि भाई डायरेक्शन से बहुत बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फ़र्क पड़ेगा तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। फ़र्क तो बड़ा पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अब हमेशा से आपको ध्यान रखना है कि कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कि केवल देखने दिखाने के लिए, है ना, बुक्स में बताने के लिए कि कन्वेंशनल कौन फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक। तो अब आपको जब भी कहा जाए कि भाई बैटरी में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, दैट इज़ बैटरी के बाहर जो सर्किट है, सर्किट मतलब ये रास्ता जहाँ से बैटरी का वो रास्ता जहाँ पर जो है ना चार्जेस का वो रास्ता जहाँ पर वो फ्लो होते हैं उसको अपन बोलते हैं सर्किट, ठीक। तो इस सर्किट में आपसे पूछा जाएगा, बोला बताइए चार्ज फ्लो की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक, तो आप बोलोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से आके नेगेटिव। लेकिन आप भी जानते हो कि चार्ज कहाँ से कहाँ आ रहा है, बोला नेगेटिव से पॉजिटिव, उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा। चार्ज की डायरेक्शन मतलब करंट फ्लो की डायरेक्शन बोला ये, लेकिन एक्चुअली में क्या है, मतलब एक्चुअली में क्या है, करंट फ्लो की डायरेक्शन ये है। लेकिन कन्वेंशनली देखा जाए, बोले डायरेक्शन के लिए पुरानी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए, बोले डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रही, ये रही, ये कन्वेंशन डायरेक्शन है। और हम क्लास ट्वेल्थ में जितना भी हमें पढ़ना है और आगे भी हम पढ़ेंगे, तो हमेशा हमें आपसे पूछा जाएगा, बोला बताइए भाई डायरेक्शन ऑफ करंट क्या, तो आप क्या बोलोगे, भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपसे पूछा जाएगा भाई एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या, बोला नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ रहे हो ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो इतना हो गया, अब बात करते हैं आपसे कि भाई चलिए इसको हटाएं क्या, करंट के पास अपन को पता है डायरेक्शन है, तो उसका मतलब इसको एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी फ्रेंड्स नहीं होता, इसको हम स्केलर क्वांटिटी मान के चलते हैं, है ना। क्यों, पहले सुनिए कि अगर आपको पता है कि ये अपने पास कोई एक मास है, अब इस पे मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक, और यहाँ से मैं 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि इस पे नेट फोर्स कितना, बोला 10 न्यूटन, वो भी इस डायरेक्शन में, और ऐसा ही होगा, ये जो मूव करेगा ना इस डायरेक्शन में, बोले 10 न्यूटन फोर्स के साथ मूव करेगा, समझ रहे हो। तो उसका मतलब क्या कि यार फोर्स में डायरेक्शन का इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन क्या यहाँ पर डायरेक्शन का इफेक्ट होता है करंट में, डन देख लेते हैं कि हमने क्या किया कि बोला 10 एम्पियर करंट यहाँ से, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 10 एम्पियर करंट हमने यहाँ से नीचे भेजा, फिर 10 एम्पियर करंट हमने यहाँ से ऊपर भेजा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए 10 एम्पियर मिला, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों को कनेक्शन के बाद यहाँ पर अपन को कितना एम्पियर करंट मिला, बोला 20 एम्पियर करंट हमको मिल गया, ठीक है। लेकिन ये कब हुआ, बोला 10 नीचे और 10 ऊपर, और मिल गया 20 एम्पियर करंट के पास डायरेक्शन होती है, ये हमने प्रैक्टिकली चेक किया, बोला 20 एम्पियर यहाँ पर मिल गया। अब देखो, अगर करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता तो नीचे जाने वाला करंट बोला -10 एम्पियर, ऊपर जाने वाला +10 एम्पियर, इन दोनों को कनेक्ट भी करा दिया तो क्या हो गया, बोला ज़ीरो। तो यहाँ पर हम देखते कि हमें कोई करंट नहीं मिलना चाहिए था, मतलब 0 एम्पियर हमें मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमें 20 एम्पियर करंट मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता, वेक्टर लॉ को इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता, ठीक है, दैट इज़ वेक्टर एल्जेब्रिकली एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। और वेक्टर पर डायरेक्शन का, दैट इज़ करंट की जो डायरेक्शन है उसका मतलब कोई नेट इफेक्ट नहीं होता कि आप ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव, नीचे जाने वाले को नेगेटिव, और उसके कारण से नेट इफेक्ट जीरो हो गया, ठीक। ऐसा अपन को नहीं करना, और ऐसा प्रैक्टिकली होता भी नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि करंट किस तरह की क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी हमने इसको माना है, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा मैं एक बार आपसे फिर से पूछ लूँ, बोला इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताओ, बताओगे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, बोला जो डायरेक्शन एक्चुअल डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होंगे वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन और वो डायरेक्शन जो हमें बुक्स में अपने सिलेबस में यूज़ करनी है वो क्या है, पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं हमें क्या मानना है भाई, वो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, ठीक है। और बैटरी की अगर अपन बात करें तो कन्वेंशनली आप मुझे बताइए, कन्वेंशनली है कि भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होंगे, जबकि एक्चुअल है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन कहीं भी आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव यूज़ नहीं करना है, आपका गलत हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक। अब बात करते हैं कि भाई चार्जेस, दैट इज़ हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करेंगे, और हम कैसे पता करेंगे कि भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो उसके लिए हमने क्या किया, लेट्स से हमारे पास एक कंडक्टर है किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का,
ठीक है, ये अपने पास कंडक्टर रहा। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर एक शीट लगाई, ठीक है, यहाँ पर हमने शीट लगाई और फिर देखा कि लेट से यहाँ से जो है ना एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज और उस तरह से चार्जेस जो है यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे थे। ठीक, हमने अपनी स्टॉप वॉच ऑन की, मतलब 0 सेकंड है यहाँ पर, और फिर हमने देखा मतलब 0 सेकंड से हमने स्टॉप वॉच ऑन की, 0 सेकंड से जैसे ही 1 सेकंड हुआ हमने देखा कि भाई 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इस एरिया क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर चुके हैं, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। ठीक, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, चार्जेस क्रॉसिंग एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बोला क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हम बात करते हैं करंट इंटेंसिटी की। ओके, तो आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, सो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम ऐसा कहना चाहें कि अगर हम बहुत छोटे से चार्ज की बात करते हैं, बहुत छोटे से टाइम पीरियड की बात करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर वेरी करंट फ्लो हो रहा है ना, वेरिंग कंडीशन में वेरिएबल करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि हमें बहुत छोटे छोटे टाइम को ब्रेक करना पड़ेगा। तो डेट इज जो करंट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल टाइम, और ये जो टाइम होगा वो कितना होगा, लीडिंग टूवर्ड्स जीरो, है ना, ये टाइम इतना कम होगा, बोला 0.001 सेकेंड। ठीक, इतने टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा वो dq by dt कहलाएगा, है ना, मतलब वो बहुत स्मॉल सा करंट कहलाएगा। इस चीज़ को अपन इंस्टेंटेनियस करंट भी कहते हैं, है ना, बिकॉज बहुत छोटे से t इज इक्वल टू जीरो टाइम जितने इंस्टेंट जितने करंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ को अपन इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। यहाँ तक आपको करंट की डायरेक्शन भी पता पड़ गई और काफ़ी सारी चीज़ें पता पड़ी। अच्छा, चलिए, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, लेकिन मैंने कहा इन ए यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकंड, है ना, कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, वहाँ से कुछ चार्जेस फ्लो हो रहे हो, तो 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो हुए वो कहलाएगा कि भाई वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज फ्लो में वहाँ पर करंट की इंटेंसिटी कितनी है। ओके, तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, और मैं जानता हूँ कि भाई इसमें 12th क्लास में यहाँ पर मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, देखिए, मान लेते हैं सबसे पहली चीज़ हमें समझना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया का मतलब है हमारे पास ये बोतल है, तो इसकी जो आउटर सरफेस है, या फिर मैं कहूँ भाई इसकी जो सतह है उसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये सरफेस है और इसके एरिया को अपन सरफेस एरिया कहेंगे। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर आप मुझे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का 2D में व्यू दिखाना, 3-dimensional ऑब्जेक्ट का 2D में व्यू दिखाना क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस बॉटल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बीच में से काटूंगा, है ना, या फिर मैं आपसे कहूँगा भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखाइए मुझे आप, तो सामने से जो आपको दिखाई दे रहा है ना वो चीज़ आपके लिए 2D होगी, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि भाई आप मुझे ना इसका हॉरिजॉन्टल में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताइए, तो मैं क्या करूँगा, इसको बीच में से काटूंगा, बीच में से काटने के बाद मुझे क्या दिखाई देगा, ये बोतल का 2D व्यू दिखाई देगा, है ना। या फिर मैं ऐसे बात करूं, बोला ये ऐसे थोड़ा सा ढक्कन टूटा है क्या, देखो अगर मैं इसका, ये अपने पास पूरी बोतल 3D है, ये इसका जो कैप है वो 3D है, लेकिन मुझसे कहा गया कि भाई इसको 2D में बताइए, है ना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, कैसे होगा, तो अपन कैसे बताएंगे इसको, ऐसे मतलब ये सर्कल ऐसा दिखाई देगा अपन को, ठीक, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाएगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। ठीक, तो अगर हम बात कर रहे हैं इस चौक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो जब भी मैं कहूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो पूरा सरफेस एरिया ना आपने मत लग जाना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब आप इसको सामने से देखो, है ना, इसको बीच में से काट के देखो, है ना, इसको ऐसे काट के देखो। ठीक, अगर जैसे मान लीजिए चौक ऐसे है, जरूरी थोड़ी ना कि आप इसको ऐसे काटोगे, तो आप इसको क्या करो, ऊपर से काटो और सामने से आपको जो दिखाई देगा वो इस चौक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, ऐसा वाला, समझ रहे हो। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि 2D व्यू, और अगर मैं एक कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ इतने एरिया की, ठीक है, इसका जो सर्कुलर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इतने एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर समझने वाली बात क्या है। ठीक, तो मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आप मुझे बता दोगे ना कि किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड आप ले लो,
एक सेकंड से कितना करंट, दैट इज कितना चार्ज पास कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई एक और नई क्वांटिटी होती है जिसको अपन कहते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, देखिए सीधी सी बात है कि इसको अपन पहली चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं जे वेक्टर से, दैट इज़ करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, पहले अपन इसको जान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, मतलब पहले अपन करंट डेंसिटी को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि करंट डेंसिटी का मतलब है कि एक यूनिट, यहाँ पर यूनिट टाइम था और यहाँ पर क्या है, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में है ना, कितना वहाँ से कितना करंट पास होता है, इस चीज़ को अपन बोलते हैं करंट डेंसिटी। ध्यान से समझिए, एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज एक मीटर स्क्वायर हो सकता है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, एक एमएम स्क्वायर हो सकता है, तो एक यूनिट एरिया से, एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास करेगा, ये उस लोकेशन की, ये उस मटेरियल की करंट डेंसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं, जे वैक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ठीक। इसी चीज़ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम क्या बता सकते हैं कि आई को हम क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं इनटू एरिया। ये इसी चीज़ को हम दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो होगा इन सम टाइम टी, इस चीज़ को अपन करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पर अपनी करंट डेंसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो पहली चीज़, हमने करंट डेंसिटी को वेक्टर क्वांटिटी क्यों माना, क्योंकि देखिए करंट डेंसिटी को हमने वेक्टर इसलिए माना कि किसी भी पॉइंट पर, पहली चीज़ जो करंट डेंसिटी है किसी लोकेशन की प्रॉपर्टी है, क्यों, क्योंकि इसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ना, कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो गया इस जगह पर, ठीक है। तो अपने आप जो चार्जेस आ रहे थे वो कम एरिया में हो जाएंगे तो करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो ना। लेकिन करंट डेंसिटी की एक डायरेक्शन होती है, बोला क्या डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनाया हमने, ये बनाया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कुछ सर्कुलर फेस बन गया, ठीक। अब इस सर्कुलर फेस पर जो करंट की डायरेक्शन होगी ना, वो हमेशा क्या रहेगी, नॉर्मल होगी। मतलब आप करंट चाहता तो ऐसे भी जा सकता था, है ना, इस तरह से जैसे भी आ रहा हो, लेकिन जैसा ये फेस होगा ना, जैसा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, वहाँ पर क्या होगी, हमेशा 90 डिग्री या फिर मैं कहूँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, ठीक। तो उसका मतलब है कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर परपेंडिकुलर, ठीक है। और कौन सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला भी हो सकता था जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर करंट फ्लो हो रहा है, ओके। सो करंट डेंसिटी इज कंसीडर्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम विच करंट इज फ्लोइंग, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम भाई, हमने यहाँ पर यूनिट डिस्कस नहीं की, और मैं मानता हूँ कि आप यूनिट बता दोगे, चार्ज की यूनिट कूलाम और टाइम की यूनिट सेकेंड, ठीक है। तो कूलाम पर सेकेंड को हम कलेक्टिवली, या फिर मैं कहूँ भाई एक कूलाम पर सेकेंड को हम मिला करके हम कह देते हैं भाई एम्पियर, है ना। कूलाम पर सेकेंड को मिला करके अगर मैं ना कहूँ तो आप ऐसा कह दो कि जो ऐसा यूनिट है करंट की वो क्या है, एम्पियर, ठीक है, ठीक। कूलाम पर सेकेंड आप ऐसा कह सकते हो, फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसा यूनिट ऑफ दिस इज एम्पियर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी है, ये है अपनी करंट डेंसिटी की, ओके। तो इसके बाद अब हम बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाले हैं आपको, दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम डिस्कस करने वाले हैं, और एक बड़ा ज़रूरी सा कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स, लेट से ये हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टिंग रॉड है, और इस सॉलिड कंडक्टिंग रॉड के अंदर ये हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है डॉट से, ओके। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों रिप्रेजेंट, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों दिखाए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को कैरी करने के लिए इन द कंडक्टर्स, है ना। बाकी इसके अंदर एटम्स भी होंगे, पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमें केवल फ्री इलेक्ट्रॉन से मतलब है, ओके। तो देखिए, अगर हम बात करें भाई एक इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में हमारा मास कितना है, बोला बहुत ज़्यादा, ठीक। इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में हमारा साइज कितना है, बोला बहुत ज़्यादा, ठीक। लेकिन अगर हमें 50 से 60 डिग्री सेल्सियस में ले जाकर छोड़ दिया जाए ना, तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, ये आप जानते हो। बोला रेगिस्तान में खड़ा कर दें तो हमारी वाट लग जाएगी, ठीक। हम 50-60 डिग्री सेल्सियस में मतलब नहीं झेल सकते यार। तो आप सोचिए कि क्या होता होगा उस इलेक्ट्रॉन का जिसका मास केवल कितना है, बच्चों जैसा, आप सोचिए कि कितना ज़्यादा छोटा है, तो उसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस कितना यूज टेम्परेचर होगा, है ना। हमारा मास इतना ज़्यादा, तो हमारे लिए टेम्परेचर जो है
50-60 डिग्री सेल्सियस में ही हमारी हवा निकल गई, तो उसके बाद आप सोचो कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ कोई कंडक्टर जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए ये 25 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और आपको पता है कि भाई जैसे मान लीजिए अब ये 25 डिग्री सेल्सियस में ये कंडक्टर रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन के पास पहुँचेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन को जब टेम्परेचर या फिर मैं कहूँ हीट एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेगा? आपको पता है इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, है ना, इसके पास कोई डाइजेस्ट सिस्टम नहीं है, ये क्या करेगा, डायरेक्ट ही इसको एनर्जी मिली ये मोशन करेगा, है ना, ये मोशन करेगा। लेट से इसने मोशन किया, अब इसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन है, है ना, इसने ये इलेक्ट्रॉन पहुँच करके इसमें पहुँचा और ये टकरा करके यहाँ आ गया, ठीक, फिर से टकराया, फिर ये यहाँ पहुँच गया, इसी तरह से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होने लगीं, फिर यही इलेक्ट्रॉन टकराया और यहाँ पहुँच गया, यही इलेक्ट्रॉन टकरा के यहाँ पहुँच गया, ठीक, तो ये आपस में रैंडम मोशन करने लगे, रैंडम। अब आप समझे ना कि एनर्जी ने क्या कराया इसको, हीट एनर्जी ने क्या कराया इसको, मोशन कराया, और ये मोशन क्या हुआ, ये मोशन अब किस में कन्वर्ट होगा, बोलो रैंडम मोशन में, क्यों, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से भागा और इसके सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज भी है, है ना, और अगर अपन कहते हैं कि भाई इसके सराउंडिंग में एटम भी हैं, दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो उनसे ये टकराएगा और फिर भागेगा, टकराएगा फिर भागेगा, इस तरह से इसके अंदर काफ़ी सारे कोलिजन होंगे। तो पहली चीज़ हमने क्या किया कि जैसे इसको एनर्जी मिली, किस तरह की इसको एनर्जी मिली ये चीज़ हमें जाननी है, तो एनर्जी मिली इसको हीट से, तो हम इसको कह सकते हैं थर्मल एनर्जी, है ना, टेम्परेचर के कारण इसको एनर्जी मिली, सो वी से इट थर्मल एनर्जी, ठीक है। अब इस थर्मल एनर्जी के कारण से क्या हुआ, इसके पास कुछ वेलोसिटी आई, ठीक, तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, ठीक है, और उस थर्मल वेलोसिटी से आया रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी को, अच्छा देखिए थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, तो थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू होती है 10^6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अप्रॉक्स 1,000,000 पर सेकेंड, इतनी ज़्यादा थर्मल वेलोसिटी होती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो, अच्छा रूम टेम्परेचर के लिए चलिए इस चीज़ को अपन बता देते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा कि थर्मल वेलोसिटी इतनी होती है। अब एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हम बात कर रहे हैं ना कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर में एक मीटर क्यूब के अंदर, एक मीटर क्यूब में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो होता है 10^29, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, कितने में, एक मीटर क्यूब में, ठीक, हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, हम तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं बस, तो इतने ज़्यादा होते हैं, तो आप सोचो कितना ज़्यादा कोलिजन इनके अंदर होगा, ठीक है। तो अब देखो, तो क्या यहाँ पर टेम्परेचर के कारण या फिर मैं कहूँ थर्मल एनर्जी के कारण मोशन नहीं हो रहा, बोला चार्जेस का मोशन हो रहा है, तो क्या हम इसको करंट कह सकते हैं, बोला नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, आप हाथ लगा के देखो, हमें करंट नहीं आता, है ना, हमें शॉक नहीं लगता, तो उसका मतलब क्या कि भाई इसमें करंट नहीं बन रहा लेकिन मोशन हो रहा है। तो कैसे, क्या कंडीशन होंगी कि भाई मोशन हो रहा है लेकिन जो है चार्जेस का मोशन हो रहा है लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं हो रहा, देन हमारा आंसर है कि भाई हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपन को फ्लो चाहिए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक पार्टीशन या फिर मैं कहूँ भाई एरिया क्रॉस सेक्शन का एक छोटा सा पीस लगा दिया। अब हमने देखा कि भाई इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितनी चार्जेस इसको क्रॉस करते हैं, तो देखा हमने, लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर वन, ठीक, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन वन है, ये इस तरह से टू है और इस तरह से काफ़ी सारे हैं। तो अब देखो भाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी हुई, पहली चीज़ आप जानते हो थर्मल वेलोसिटी है या फिर वेलोसिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन होती है, तो लेट से यू वन वैक्टर कहाँ गया, बोला पॉजिटिव में गया, ठीक, लेट से इस साइड चला गया, यू वन वैक्टर कहाँ गया, इस साइड चला गया, ठीक है। इसके बाद यू टू कहाँ गया, बोला इस साइड चला गया, लेट से पार्टीशन की इस साइड, तो हमने इसको नाम दे दिया यू टू वैक्टर इन द नेगेटिव। इसके बाद यू थ्री फिर से लेट से ऊपर चला गया, यू थ्री वैक्टर दैट इज़ जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन था वो ऊपर चला गया और फोर्थ वाला नीचे चला गया, तो इस तरह से हम देखते चले जाएंगे कि भाई, अच्छा आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि ज़रूरी है क्या यार ऐसे ही ऊपर नीचे ऐसे वैसे जाएं, तो आप खुद सोचो कि भाई एट द सेम टाइम लाखों इलेक्ट्रॉन इस साइड गए, लाखों इस साइड गए, और लाखों ही इलेक्ट्रॉन ऊपर और लाखों नीचे जाएंगे, नहीं जाएंगे, रैंडम मोशन तो हर डायरेक्शन में होता है ना, तो इस तरह से मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि सभी की
दैट इज सभी की जो थर्मल वेलोसिटी का जो सम हुआ, एवरेज सम हुआ, वो कितना हुआ? प्लस जीरो। कैसे? U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस U3 वेक्टर प्लस U4 वेक्टर, यही तो एवरेज वेलोसिटी नहीं होती है। एवरेज वेलोसिटी मतलब सबका सम डिवाइडेड बाय n। अब आप खुद सोचो, लेट से U1 वेक्टर पॉजिटिव में गया तो +10^6 मीटर पर सेकंड लिख दिया, ये नेगेटिव में गया तो -10^6 मीटर पर सेकंड लिख दिया। इसी तरह से ये ऊपर ये नीचे, तो सबका आप सम करोगे तो कितना आएगा? जीरो। और इसी चीज को तो हमने बोला है कि थर्मल वेलोसिटी का अगर हम वेक्टर सम देखते हैं तो अपन को क्या मिलेगा? अपन को मिलेगा जीरो। या फिर मैं कहूँ भाई एवरेज थर्मल वेलोसिटी का वेक्टर सम अपन को कितना मिलेगा? जीरो। एवरेज, एवरेज मतलब सबका मिला करके। ओके, तो यहाँ पर एक चीज हुई। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सा कॉन्सेप्ट बताना है, और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। तो लेट से अब मैं यहाँ पर जो है ना केवल दो ही इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा, ठीक, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन हम बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक फ्री इलेक्ट्रॉन ये, और ये तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लेट से ये इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, और या फिर मैं कहूँगा भाई ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुँचा, और इसके बाद यहाँ आया, इसके बाद जो है ना ये यहाँ पहुँचा, ठीक। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये टकराया तो उसको अपन ने नाम दिया पहला कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन, ठीक है। पहला टकराया तो पहली बार को नाम दिया फर्स्ट कोलिजन, ठीक। यहाँ पर टकराया पहले कोलिजन से, फिर ये रिलैक्स हो गया, मतलब टकरा के रिलैक्स, ठीक। रिलैक्स होने के बाद जब ये आगे बढ़ा तो ये दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, ठीक, या फिर दूसरे एटम से टकरा गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब सेकंड कोलिजन। इसके बाद क्या हुआ, ये जाकर के इससे टकरा गया, तो ये क्या हुआ, थर्ड कोलिजन। और आप देख रहे हो कि भाई हर कोलिजन के बाद ये इतने रास्ते में नहीं टकराता है, ठीक, क्योंकि छोटा सा पास तो होगा ना, कि एक कोलिजन से लेकर दूसरे कोलिजन के बीच में कुछ टाइम तो लगेगा उसको, ठीक। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर जो है ना ये जितने रास्ते में नहीं टकराता है ना, उन सभी का अपन मीन निकालेंगे, तो ये अपन को मिलेगा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसने, मतलब आप ये मान लीजिए पहला कोलिजन किया तो ये पहले कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच का रास्ता एक पाथ हो गया, एक डिस्टेंस। फिर यहाँ से लेके दूसरे कोलिजन तीसरे कोलिजन तक का डिस्टेंस एक अलग डिस्टेंस हो गया, फिर चौथे का एक अलग डिस्टेंस हो गया, पांचवे कोलिजन छठवे कोलिजन के बीच का एक अलग डिस्टेंस। तो आप इन सभी का मीन निकालोगे तो आप मीन फ्री डिस्टेंस, मीन फ्री पाथ इनको कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद पहली चीज़ ये हो गई। और अब देखिए कि पहले कोलिजन और दूसरे कोलिजन, मतलब पहला कोलिजन हुआ इसके बाद ये रेस्ट में हो गया, अब कोई टकरा ही नहीं रहा हूँ मैं, डायरेक्ट चला चला जा रहा हूँ। तो पहले कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा उसको अपन ने नाम दिया रिलैक्सेशन टाइम, है ना, मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है रिलैक्स के मूड में है तो उसको अपन नाम दिया रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, बोला दो सक्सेसिव, पहला कोलिजन दूसरा कोलिजन, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो खाली टाइम है उसको अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या? दो सक्सेसिव कोलिजन, चाहे ये सेकंड और थर्ड की बात करें, फिफ्थ एंड सिक्स की बात करें, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में का जो टाइम है उसको अपन ने नाम दिया रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो इतना क्लियर है आपका। चलिए भाई, तो रिलैक्सेशन टाइम को अपन रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, है ना, जो टॉर्क वाला टाउ है सेम सिंबल है टाउ। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो ये ड्यू टू कोलिजन इस पर फोर्स लगेगा, ये वाले पर फोर्स लगेगा या लगेगा? बोला लगेगा, ये पहुँच के इससे टकराने वाला था, ठीक है, मतलब इस पर फोर्स लगा तो आपको पता है भाई इसका कुछ ना कुछ मास होगा, और कुछ ना कुछ मास है इस पर फोर्स लगा है तो इस मास के पास, दैट इज इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, है ना। लेट से इसके पास थर्मल वेलोसिटी थी U1, ठीक है, ये इससे टकराया, इससे टकराने के बाद इसकी क्या हुई, एक्सेलरेशन हुई, कितने टाइम तक हुई, बोला रिलैक्सेशन टाइम तक, लेट से टाओ T1, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कि फाइनल यहाँ तक पहुँचते इसकी वेलोसिटी कुछ बदल गई होगी, ठीक है, तो इस चीज़ को अपन नाम दिया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, V1। तो यहाँ पर आपको समझने वाली ज़रूरत है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बना ली ये चीज़, ठीक। तो रिलैक्सेशन टाइम कितना हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन को तो आप सिंपल सा जानते हो ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ठीक है, एंड फोर्स इज इक्वल टू कितना, फोर्स इज इक्वल टू कितना, चलिए भाई इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा। ओके, अब देखिए इस डेरिवेशन को हम आगे करेंगे, अच्छा ये तो मैं बताने नहीं चाहता हूँ ना पहले,
ठीक भाई। ओके तो एक काम करते हैं भाई, जल्दी से ना एक और डायग्राम बनाते हैं। ओके तो लेट्स से ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन हो रहा है और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है L और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ठीक है, अब हमें डेरिवेशन करना था इसलिए मैंने उस चीज़ को रोक दिया। हमें समझना है पहली चीज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, तो इसके लिए हमें ये चीज़ मतलब उसको रोकना पड़ा वहाँ पर। तो देखिए ध्यान दीजिए कि कंडीशन क्या बनती है कि फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर में से रैंडम मोशन होता रहे और जो है ना साथ साथ में इसमें करंट फ्लो की कंडीशन बन जाए। ठीक, तो पहली चीज़ कि रैंडम मोशन क्यों होता रहे, तो देखिए रैंडम मोशन को अगर हमें रोकना है तो हमें टेम्परेचर को बहुत फॉल करना पड़ेगा। बोला कितना, बोला हमें एब्सोल्यूट जीरो पर जाना पड़ेगा, दैट इज़ जीरो केल्विन तक हमें पहुंचना पड़ेगा। अब जीरो केल्विन पर अगर हम पहुंच लेके चले भी जाएंगे मान लो इस कंडक्टर को, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे। ठीक, लेकिन फिर हम एक्सपेरिमेंट करने लायक थोड़ी ना रहेंगे यार जीरो केल्विन पर। ठीक है, एकाध कर लिए लेकिन फिर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे है ना, उसको डेली लाइफ में लेके नहीं आ पाएंगे। ठीक, तो उसका मतलब है कि यार अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करें तो इनको रोकने के अलावा, रोक के चलाने के अलावा भी कोई दूसरा रास्ता हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ से रास्ता निकल के दैट इज़ जो टर्म निकल के आया उसका नाम रख दिया हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो अब समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक फ्रेंड्स, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहाव, किसी चीज़ का बहाव, जैसे पानी का बहाव होता है ना, तो उसको रेत बहती है, रेत ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं उस चीज़, मतलब उसको भी ड्रिफ्ट कहते हैं, किसी भी चीज़ के बहाव को हम ड्रिफ्ट कहते हैं, है ना। ओके, तो समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि इस यहाँ पर जो अपन ने क्रॉस सेक्शन एरिया लगाया, मतलब हमने कोई भी शीट इंसर्ट करा दी, हम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट सम है वो क्या हो जाए, वो इस साइड करंट फ्लो होने लगे। ठीक, तो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया कि यार ये जो अपना कंडक्टर है ना, इसको हमने एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट कर दिया। देन आप देखिए कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया, क्रिएट कर दिया, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर ये नेगेटिव नेगेटिव। तो आप देखिए ये नेगेटिव क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए कंडीशन क्या बनेगी कि ये रैंडम मोशन कर रहा है ना, करता रहे अभी रैंडम मोशन, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे भाग रहा है, ठीक ऐसे भाग रहा है, तो कंडीशन क्या बनेगी, जब नेगेटिव इसको, दैट इज़ यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज जो प्लेट होगी, जो साइड होगी, वो जब इसको रिपेल करेगी ना, तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा रिपेल होगा और रिपेल होके ऐसे यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से इसको रिपल्जन फोर्स लगेगा तो ये यहाँ टकराएगा, फिर क्या होगा, यहाँ से इसको रिपल्जन फोर्स लगेगा तो अगर ये यहाँ टकराने वाला था ना तो ये यहाँ टकराएगा। ठीक है, वापस ये यहाँ आने वाला था तो ये यहाँ आएगा, तो आप देख रहे हो एज ए रिजल्टेंट ये क्या हो गया, ये आगे बढ़ गया। इसी तरह से हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन इसी तरह से यहाँ आने वाले थे, लेट से ये यहाँ जाने वाला था, ठीक है यहाँ जाने वाला था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने वाला था इस साइड में, तो क्या हुआ कि यहाँ जाने वाला था, ये इसको रिपेल करेगा तो ये यहाँ पहुँचेगा, समझ रहे हो ना। तो अगली बार ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स की जो नेट वेलोसिटी हो गई वो किस डायरेक्शन में हो गई, इस डायरेक्शन में हो गई। इसी चीज़ को अपन ने क्या कहा, बोला बहाव, हम इसी चीज़ को तो कहते हैं बहना, हम नहीं चाहते भाई आप वेव्स में बैठ जाओ भाई है ना, समुंदर की लहरों में, तो समुंदर की लहरें क्या करेंगी, आपको बहा देंगी है ना एक्सटर्नल फोर्स के साथ, तो वही चीज़ तो यहाँ हो रही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है कि इनको बहा दिया जाता है, कौन बहाता है इनको, इनको ड्रिफ्ट कौन करता है, ड्रिफ्ट करते हैं इनको पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे हो ना, ये पॉजिटिव खींचता है और ये नेगेटिव इसको रिपेल करता है, तो डबल डबल कंडीशन बन गई कि पहली चीज़ ये खुद यहाँ आना चाह रहा है और दूसरी चीज़ ये उसको रिपेल कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन बनती है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर बता दूँ, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराने, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराने वाला था, लेकिन ड्यू टू हमने यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट किया तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा क्योंकि रिपल्जन फोर्स क्रिएट हो गया है ना, और क्योंकि इसको पॉजिटिव भी खींच रहा है, तो उस तरह से ये आगे बढ़ जाएंगे है ना। हमने आगे जाने वाला भी एग्जांपल भी देख लिया, पीछे जाना एग्जांपल वाली, पीछे जाने वाला एग्जांपल भी देख लिया। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या कहा कि भाई ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको अपने नाम दिया VD। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कि भले ही इसके पास रैंडम मोशन है, लेकिन एज ए रिजल्टेंट हम देखेंगे ना कि भाई कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो इस साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड खिसक के आ जाएंगे है ना, इस साइड वाले इलेक्ट्रॉन इस साइड खिसक के आ जाएंगे और ये यहाँ पे चले जाएंगे, फिर एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैटरी से जाएंगे, वो इसको फ्लो कराता रहेगा।
तो यहाँ से आप समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि रैंडम मोशन होता रहेगा, लेकिन ड्यू मतलब बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ये ऐसे जाने वाला था, हम इसको ऐसे खिसका देंगे, ऐसे जाके ऐसे मोशन कर रहा था, ये कैसे मोशन कर, ऐसे जाएगा ऐसे मोशन करेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करा देगा, और इस ड्रिफ्टिंग की वेलोसिटी को हमने नाम दिया वी डी। और जब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तो उसका मतलब करंट दैट इज चार्जेस डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करेगा और यहाँ पर करंट जनरेट हो जाएगा। देन वी कैन से दैट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण कंडक्टर के अंदर करंट क्रिएट हो सकता है। तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। अब हमें समझना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इंटेंसिटी का क्या रिलेशन होता है। ओके तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट वेलोसिटी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इंटेंसिटी का बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा रिलेशन है। आप कहो तो मैं इसको उल्टे से सीधा करके दिखा दूँ या फिर हम इसको सीधे से सीधा करते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमें ज़रूरी क्या है यार, इसके लिए हमें ज़रूरी ये है बस आपको ये पता पड़ जाए इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका शेप एंड साइज वगैरह ये सारी चीज़ें तो हम निकाल लेंगे। लेट से माना कि हमने क्या किया कि एक यूनिट वॉल्यूम में एक यूनिट वॉल्यूम हमने ले लिया कि भाई एक सेंटीमीटर क्यूब में या फिर एक मीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए वो है n, ठीक है, कितने n। अब एक यूनिट वॉल्यूम में इतने हैं तो टोटल वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ, तो इसमें कितने होंगे, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन बोला n, तो v यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन, n इनटू v, v मतलब वॉल्यूम, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इन v यूनिट वॉल्यूम या फिर मैं कहूँ वॉल्यूम v n, और वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे एरिया इनटू लेंथ, तो उसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए n इनटू a इनटू l, ठीक है, ये n इनटू a इनटू l क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बस अगर आप इतनी चीज़ जानते हैं तो बस काम हो गया अपना, बिकॉज वी नो कि I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, I इज इक्वल टू q बाय t, एंड q इज इक्वल टू वी नो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज हम जानते हैं ना n इंटू e, ठीक। और यहाँ पर इस फॉर्मूला में यहाँ पर क्या q इज इक्वल टू n e मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू अपना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जिसको अपन लिखते हैं स्मॉल e, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर हम बता देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल n से, और q इज इक्वल टू हम जानते हैं कैपिटल n इंटू e, n e, ठीक, एंड t मतलब टाइम t, ओके। तो अब देखिए इस कैपिटल n की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं n a l इंटू e अपॉन t, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखिए छोटी सी चीज़ और है कि भाई हम जानते हैं कि इस l की जगह दैट इज़ लेंथ की जगह हम और क्या लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाए। हम क्या चाहते हैं कि I के सामने ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाए, तभी तो करंट इंटेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकल के आएगा। देन वी नो कि भाई क्या होता है, भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट कह दो, भाई यहाँ से यहाँ तक कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, ठीक। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी रही अपनी वी डी, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है एल, है यहाँ से ये ड्रिफ्ट हुआ लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा तो इसने एल कवर किया, और टाइम क्या रहा टी, तो एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं वी डी इंटू टी, ठीक है। तो इस एल की जगह हमने क्या लिखा, आई इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू एल की जगह हमने लिखा वी डी इंटू टी इंटू ई अपॉन टी, तो यहाँ से टी से टी कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, आई इज इक्वल टू आ गया एन ई ए वी डी ओनली, एन ई ए वी डी, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट इंटेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, अगर हमें क्या क्या पता हो, अगर हमें दैट इज डेंसिटी पता हो, यहाँ पर स्मॉल n क्या है, यहाँ पर स्मॉल n है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक, e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड इसके बाद a इज द, a क्या है एरिया लेंथ, और लेंथ की तो जरूरत पड़ी ही नहीं है अपन को, एंड वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ से हम इतनी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना हो तो उनको डिवाइड करो, सिंपल सी बात है, ओके। तो ये हो गया अपना करंट इंटेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन। इसके लिए इसके बाद एक और डेरिवेशन हमें करना है जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही है, और उसको अपन नाम देते हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए अपन को एक्सप्रेशन देखना है ना, दैट इज हम कहें कि फार्मूला हमें ड्राइव करना है, तो कुछ नहीं है बहुत सिंपल सा है, इसके लिए वही कॉन्सेप्ट हमें देखना है जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं, ओके, ठीक है भाई। तो हमने क्या माना, लेट से हमारे पास ये कंडक्टर था, अब मैं कंडक्टर फिर से बनाऊं क्या, वन सेकेंड, अब इस पार्ट को मैं कट कर दूंगा,
देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन, देखिए ध्यान से, लेट से ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये पहले किसी भी, इसके पास कोई भी इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, जिसको अपन नाम दिया थर्मल वेलोसिटी, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में रैंडम मोशन कर रहा था, लेट से ये गया ये यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक, वापस से यहाँ टकरा गया, तो इसके पास अभी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, लेट से यू वन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस की तो बात ही नहीं आई, अगर हमने मैंने बता दिया ना आपको, पहले U1 थी, फिर कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ तो एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन के बाद यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी आ गई, तो हमने क्या नाम दिया कि भाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए U1, सेकंड के लिए U2, थर्ड के लिए U3, इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी थी, और कोलिजन के बाद आप देखते हो कि इसकी वेलोसिटी हो गई V1, इसकी वेलोसिटी हो गई V2, इसकी वेलोसिटी हो गई V3, एंड आप जानते हो कि भाई कोलिजन के दौरान, कोलिजन के बाद रिलैक्सेशन टाइम में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो हम जानते हैं कि V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, U1 प्लस A टाओ 1, ओके। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा था, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और आप जानते भी हो, तो अब आप डेरिवेशन स्टार्ट कैसे करोगे, बस आपको ये समझना है, ओके। तो सबसे पहले आप लिखोगे, क्या लिखोगे, फोर्स ऑन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, F इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा कि, या फिर मैं ऐसे कह दूं आपसे कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान एक्सेलरेट करेगा, तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप जानते हो भाई एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होगा, फोर्स अपॉन मास, ठीक। अब ये फोर्स किस पर लग रहा है, एक्सेलरेट कौन करेगा, बोला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, F इज इक्वल टू, अब देखिए हमने पॉजिटिव नेगेटिव, हमने क्या कर दी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन मास m। अब आप जानते हो कि भाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अच्छा क्यू ई मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्यू इंटू ई, कैपिटल ई, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना, लेट से माइनस ई, और कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन m। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन चार्ज की मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इतनी इतनी वैल्यू से एक्सेलरेट करेगा ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। इसके बाद तो हमने ये यहाँ पर ए निकाल लिया एक्सेलरेशन। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हमें पता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी रही वी वन, सेकेंड की वी टू, थर्ड की वी फोर, इस तरह से मतलब आगे बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर हमें टोटल देखना है कि भाई एवरेज वेलोसिटी वी एन कितनी होगी, ठीक है, समझ रहे हो ना, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमने कहा भाई एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री अप टू वी एन डिवाइडेड बाय एन, है ना, ये वी है, ओके। तो अब देखिए हम क्या करेंगे भाई, वी की जगह, दैट इज वी वन की जगह क्या लिखोगे, यू वन प्लस ए टाउ वन, ठीक है, प्लस वी टू की जगह यू वन मतलब यू टू प्लस ए टाउ टू, और इसी तरह से यू एन प्लस ए टाउ एन डिवाइडेड बाय n, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू अप टू यू एन, ठीक, ये डिवाइडेड बाय n, ये हमने अलग कर लिया, प्लस है ना, इन सब का एक्सेलरेशन कॉमन लिया, एंड टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री, और ये हमने देखा डिवाइडेड बाय n, इतना हो गया, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर इतना तो आपको समझ में आ गया, अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कि U1 प्लस U2 प्लस UN इन सब की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो, क्योंकि इन्हीं एवरेज थर्मल वेलोसिटी का मतलब क्या, इनिशियली थर्मल वेलोसिटी तो थी, और इनिशियल जब वेलोसिटी थी तो उनका सम क्या हो रहा था, जीरो, किसी क्रॉस सेक्शन के अबाउट, ठीक, अगर जीरो नहीं होता तो जो है क्रॉस ना कर जाते। V इज इक्वल टू जीरो प्लस ए टाओ, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हमने जो है ना tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 3 डिवाइडेड बाय n, इसको हमने क्या मान लिया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और इसको हमने tau से रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। तो a tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 3 अपॉन n को हमने क्या मान लिया, tau, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप चाहे तो भाई a वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक, e वेक्टर लगा सकते हैं, ओके। अब देखिए कंडीशन क्या है कि भाई vd इज इक्वल टू की वैल्यू क्या निकल आई, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो a इंटू टाओ, इफ वी आर टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड तो a इंटू टाओ। अब a की वैल्यू हम बस पुट करें, क्योंकि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर निकालनी है तो a की वैल्यू क्या होगी, माइनस e इंटू कैपिटल e अपॉन अपॉन में क्या है भाई m, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये टाओ, ठीक है। तो ये अपना क्या निकल के आ गया, ये हमने a की वैल्यू पुट कर दी और ये टाओ है,
इसके बाद देखिए, इसके बाद एक चीज़ और रह जाती है, क्या चीज़ रह जाती है भाई, ठीक है भाई, कुछ नहीं बचा, देखो इसके बाद ये अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक। एंड यहाँ पर ये जो मास है वो मास किसका है, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, क्या कहलाता है, स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का रेशियो कहलाता है स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू रिलैक्सेशन टाइम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। तो इस तरह से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी, ओके। तो मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक। देखिए मोबिलिटी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्टिवेट करते हैं, या फिर मैं कहूँ कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास वही कंडक्टर था, तो पहली चीज़ मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, मोबिलिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स कितने मोबाइल हैं, ठीक। मोबिलिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, कि म्यू जो है ना, म्यू म्यू का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक यूनिट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उससे कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है, इस चीज़ को अपन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो VD इज इक्वल टू क्या हो गया, VD इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, ये चीज़ आप समझ गए, ठीक। या फिर अगर मैं ऐसा कहूँ कि भाई वी, अगर आप म्यू का फॉर्मूला, दैट इज मोबिलिटी का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे भाई, अभी देखिए म्यू इज इक्वल टू VD की वैल्यू हमने निकाली है, माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपॉन टाओ अपॉन में क्या है भाई m, डिवाइड कर दोगे अगर आप e से, तो e से e कैंसिल हो जाएगा, एंड म्यू इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, माइनस ई टाओ अपॉन m। तो ये मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। मोबिलिटी का मतलब है कि एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है, उस चीज़ को अपन बोलते हैं मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से मोबिलिटी ऑफ होल्स भी होती है, वो सेमी कंडक्टर के लिए, लेकिन अपन इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बताएं कि आपको मतलब कैसा सिलेबस चल रहा है, आप मुझे कितना जो है हेल्प ले पा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक वाइक भी कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट।